आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे के नेतृत्व में लोक शिक्षा प्रेरकों की संविदा बहाली और 3 वर्ष से रुके मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने बताया कि ग्राम पंचायत लोक शिक्षा प्रेरकों की संविदा बहाल की जाए और 3 वर्षों से रुका हुआ मानदेय एक मुश्त भुगतान किया जाए। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिला संरक्षक सत्य प्रकाश यादव, जिला संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष मनोज यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने कहा, प्रेरक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियो प्रेरक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मानदेय भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा हमारा मानदेय भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। मृत्युंजय पांडे, जिला अध्यक्ष शिक्षा प्रेरक संघ गोरखपुर। हम लोग शिक्षा प्रेरक हैं और लगभग 40 महीने से हम लोगों का मात्र 2000 रुपये मिलने वाला मानदेय बकाया है, जो सरकार भुगतान नहीं कर रही है। और 31 मार्च 2018 को हमारी संविदा पर भी रोक लगा करके हम उत्तर प्रदेश के 1,00,000 शिक्षा प्रेरकों को बेरोजगार कर दिया गया। हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी माध्यम के महोदय से कई बार ज्ञापन दिए, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संबोधित, उसी क्रम में आज जो है हम लोग गोरखपुर जिलाधिकारी महोदय को अपने मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन देंगे।